हेलो बीएससी थर्ड ईयर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज डिस्कस करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट टू। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहां पर पाए जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर, उनके कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन भी हमने तीन तरह से किया था। और आज कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट टू हम रिलीज कर रहे हैं और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं और आज हमारा टॉपिक है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो सबसे पहले मैं यहां पर ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को बनाकर दिखा देता हूं। ग्लूकोज की स्ट्रक्चर एक बार फिर से मैं आपको यहां पर बनाकर दिखाता हूं किस तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, C6H12NO6। ठीक है, ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। वहीं पर अगर हम इसकी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को इन दोनों को बनाएं तो आपको छह कार्बन लेना होगा, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर 3 और एक छठा, छठे कार्बन को आपको यहाँ पर CH2OH रखना है। और नीचे की तरफ आपको राइट साइड में सबसे पहले 2 OH ग्रुप और यहाँ पर लेफ्ट साइड में 2 हाइड्रोजन। अब यहाँ पर आपको एक हाइड्रोजन और यहाँ पर आपको OH ग्रुप। अब यहाँ पर अगर आप OH ग्रुप, ये जो कार्बन एटम पर अगर आप ये जो OH ग्रुप जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कार्बन एटम होता है और यही डिसाइड करता है कि आपका जो ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है वो अल्फा डी ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है। ठीक है, अगर ये OH ग्रुप राइट साइड में है तो अब इसको बोलोगे अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पर है तो आप किसे क्या कहोगे, तब इसको आप बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज। तो ये OH ग्रुप अगर यहाँ पर रहेगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पर रहेगा तब आप उसे क्या कहोगे, बीटा डी ग्लूकोज। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि ग्लूकोज दो तरीके का होता है, एक अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। ठीक है, अभी हम इसकी साइक्लिक फॉर्म को भी देखेंगे, तो इसकी ओपन चेन फॉर्म है। अब हम फ्रक्टोज की फॉर्म को देखें तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में क्या अंतर होता है कि फ्रक्टोज में होता है एल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, सॉरी, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है और ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप CH2OH लगा दें, फिर उसके बाद यही वही सेम, सबसे पहले इन दोनों का फॉर्मूला जो है वो सेम होता है। छह कार्बन एटम यहाँ पर जोड़ने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे कार्बन एटम पर सबसे पहले आप लगा दें CH2OH और फिर वही नीचे जैसे ग्लूकोज में था वही सेम स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर भी बनाना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको जो OH ग्रुप यहाँ पर यह हाइड्रोजन, देखिए फ्रक्टोज भी सेम ग्लूकोज की तरह ही है लेकिन इसमें दोनों में क्या अंतर है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है ग्लूकोज के अंदर, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। और इसमें भी इस OH ग्रुप के बेस पर इसके दो तरह के स्ट्रक्चर निकल कर आ सकती हैं। इस समय ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अल्फा फ्रक्टोज। अगर ये OH ग्रुप यहाँ पर हो तब इसे क्या कहोगे आप, बीटा फ्रक्टोज। ठीक है, तो फ्रक्टोज भी दो प्रकार का होता है और ग्लूकोज भी दो प्रकार का होता है। तो अभी हमारा मेन फोकस है ग्लूकोज के ऊपर, तो फ्रक्टोज के बारे में आपने इतना सब कुछ जान लिया, बहुत है। अब हम यहाँ पर आपको एक रिएक्शन दिखाएंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझा सकें ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो वो रिएक्शन है ये, जैसे ये हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, बड़ी ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है और मजा भी बहुत आने वाला है। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तब आपको समझ में आएगा, वरना आप बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपके लिए। देखो, ये है हमारे पास कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप को अगर मैं यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी पर हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ और एक वैलेंसी पर कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ देता हूँ तब इसको बोला करते हैं हम एल्डिहाइड। ठीक है, और अगर हम इसकी दोनों वैलेंसी पर कोई एल्काइल ग्रुप जोड़ दें, ठीक है, एल्काइल या एराइल ग्रुप जोड़ दें, मतलब कार्बन एटम जोड़ दें, तब अब ये कहलाएगा कीटोन। ठीक है, तो यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप पर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो अब मैं यहाँ पर जो रिएक्शन दिखाने वाला हूँ वो इसी से रिलेटेड ये है, जैसे मैं यहाँ पर फिर दोबारा से बना देता हूँ। अब देखो, यहाँ पर एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। अब मैं इसकी रिएक्शन कराता हूँ मिथाइल अल्कोहल के साथ, CH3, ये OH मैं ले लेता हूँ, इस पर है लोन पेयर। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसको ध्यान से देखें तो ये न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन फुल है तो इसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है न्यूक्लियोफाइल, जिसके पास जिसे न्यूक्लियस से प्यार हो। ठीक है, इसको तो न्यूक्लियस से प्यार है। फिलिक एक वर्ड होता है, ग्रीक वर्ड होता है, इसका मीनिंग होता है लविंग। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस को लविंग करता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोफाइल। अब ये जो है इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करता है जो कार्बोनाइल ग्रुप है। अब ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य क्यों करता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कार्बन से। ठीक है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज और इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है, देखो इसका कारण क्या है कि आपने जो देखा ये ऑक्सीजन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इन्होंने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके इनके बीच बना कोवेलेंट बॉन्ड। तो दो कोवेलेंट बॉन्ड आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो डबल बॉन्ड बना ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, एक कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, इनके बीच एक सिंगल बॉन्ड बन गया।
फिर दोबारा से कार्बन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया, इनके बीच डबल बॉन्ड बन गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन है ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज्यादा रखता है, ठीक है। तो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की टेंडेंसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है, और वो ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ज्यादातर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपनी तरफ खींच कर रखेगा, जिसके कारण इस पर नेगेटिव चार्ज, पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज। देखो पूरी तरह से चार्ज नेगेटिव कब आएगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अभी तो इस पर जो है पार्शली आएगा चार्ज। अब क्या होगा, ये कार्य करेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये कार्य करेगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है, क्योंकि प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। तो ये जो है इलेक्ट्रोफाइल है और इसे इलेक्ट्रॉन से प्यार है। अब देखो इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या कहेगा कि आजा भाई मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूँ, और ये तुरंत अटैक कर देगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है इस कार्बन के यहाँ पर अटैक करेगा, क्योंकि क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये भी कहता है चलो ठीक है मुझे आप इलेक्ट्रॉन दे दो, तो ये इलेक्ट्रॉन इससे लेकर के यहाँ पर बन जाता है बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड बनेगा वो कैसे बनता है, इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। देखो ये हम फिर दोबारा से बना रहे हैं इस कार्बन एटम को यहाँ पर, और यहाँ पर देखो क्या होगा, एक घटना होने वाली है, वो ये घटना होगी कि जैसे ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर की हेल्प से यहाँ पर बॉन्ड बना रहा है, तो इसका लोन पेयर यूज हुआ तो इस पर आएगा पॉजिटिव, और दूसरी तरफ ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ा है, और तीसरी और यहाँ पर ये CH3BC के साथ जुड़ा है, ठीक है। या फिर इस CH3 को हम यहाँ से हटा करके यहाँ पर कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, और इस हाइड्रोजन को यहाँ पर रख देते हैं। अब देखो कंडीशन क्या है कि कार्बन जनरली क्या करता है, चार बॉन्ड बनाता है, बट यहाँ पर कितनी बॉन्ड है, पांच बॉन्ड है, दो तो यहाँ पर, तीन यहाँ पर, दो यहाँ पर, तो पांच बॉन्ड में से अब यहाँ पर बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना चाहिए, आप खुद सोच कर बताओ। तो इसका अब इस चीज को समझने के लिए हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का सहारा लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है कि सिग्मा बॉन्ड मजबूत होता है, पाई बॉन्ड कमजोर होता है। तो पाई बॉन्ड कहाँ पर है, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड और बाकी सब सिग्मा बॉन्ड, तो ये पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा माइनस चार्ज, क्योंकि इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, ऑक्सीजन ले लेगा। दूसरी तरफ क्या होता है कि इस पर पॉजिटिव चार्ज जो ऑक्सीजन पर है, तो ये ऑक्सीजन क्या कहता है कि भाई हाइड्रोजन तू निकल ले, क्योंकि मेरे पास आया है पॉजिटिव चार्ज, मुझे इलेक्ट्रॉन की है जरूरत। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल लेता है, ठीक है, ये हाइड्रोजन यहाँ से H+ के रूप में निकलता है और अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है इसको, इस ऑक्सीजन को। तो इस ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, और ये जो एच पॉजिटिव है इसके नेगेटिव को खत्म कर देता है। तो इस तरीके से क्या हुआ, बैलेंस हो गया चारों तरफ से, कि भाई यहाँ से जो H निकला था, ठीक है, ये जो H निकला ये अपना इलेक्ट्रॉन दे करके निकला, क्योंकि इस पर आया पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव था वो खत्म हो गया इसके कारण, और यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ये जैसे ही H+ गया यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर भी खत्म हो गया। अब ये जो कंपाउंड बना इसका नाम है हेमी एसिटल, ठीक है। अगर यहाँ पर आप एल्डिहाइड लेते हो तब यहाँ पर ये हेमी एसिटल, अगर यहाँ पर आप कीटोन लेते हो तब ये बनेगा हेमी कीटल, ठीक है। तो इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि ये डिपेंड करता है कि ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है यहाँ पर आप एल्डिहाइड ले रहे हो या कीटोन ले रहे हो, तब यहाँ पर हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनेगा। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि सर आपने इस क्वेश्चन को या इस रिएक्शन को हमें क्यों बताया, इसकी क्या जरूरत थी आपको बताने की। तो देखिए दोस्तों मैं आपको ये इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पर अब मैं इस ग्लूकोज की एक और फॉर्म लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ सेम वही स्ट्रक्चर, चलिए यहीं पर आपको समझा देता हूँ, इसी के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ। देखो क्या है कि भाई ग्लूकोज में भी OH ग्रुप है और ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड है, तो वही रिएक्शन जो हमने अभी आपको दिखाया था वो रिएक्शन यहाँ पर भी तो हो सकती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें इतने सारे OH ग्रुप है, तो इसमें जनरली ये जो OH ग्रुप दिखाई दे रहा है इसका लोन पेयर ये अटैक कर देता है इसके इस कार्बन एटम पर। अब देखो ये जो कार्बन एटम पर क्यों अटैक किया, क्योंकि ये कार्बन एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इस पर हल्का सा पार्शली पॉजिटिव चार्ज था। इस कार्बन पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज इसलिए था क्योंकि जो ऑक्सीजन है इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था, जिसके कारण इस पर जो है पार्शली नेगेटिव चार्ज आ जाता है इसका। अब देखो क्या होगा, ये OH ग्रुप जाएगा इसके साथ, इस कार्बन के साथ बॉन्ड बना लेगा, जैसे वहां पर मैंने आपको रिएक्शन में दिखाया था, सेम वही रिएक्शन है, बस यहाँ पर नजरिया आपको सही से समझना होगा, ठीक है। तो इस तरह से एक और स्ट्रक्चर प्राप्त होती है, वो मैं स्ट्रक्चर आपको दिखा देता हूँ। ये जो OH ग्रुप है डायरेक्टली हम यहाँ पर ले जाएंगे इस बार, ठीक है। तो ये हमने OH को यहाँ पर रख दिया है और OH पर पॉजिटिव चार्ज भी आ जाता है, और फिर उसके बाद ये कार्बन पर डबल बॉन्ड एंड यहाँ पर ये हाइड्रोजन, और फिर सेम रहेगा जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये OH हम यहाँ पर रख देते हैं, ये OH हम यहाँ पर रख देते हैं, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर रख देते हैं, और ये OH हम यहाँ पर रख देते हैं, बाकी ये OH यहाँ पर, ये H यहाँ पर, ये OH
ये OH हम यहाँ पर रख देते हैं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर और यहाँ पर CH2OH, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, बाकी सब कंप्लीट है। ये जो OH ग्रुप आपने देखा, ये डायरेक्टली कहाँ पहुंचा दिया हमने, यहाँ पर ले आए हम इस OH ग्रुप को। अब देखो यहाँ पर वही घटना होगी जो वहां पर मैंने आपको दिखाया था। क्या घटना थी भाई, कि इस पर था पॉजिटिव चार्ज, पार्शली इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा था। तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सबसे पहले तो ये जब अटैक कर देगा तो कार्बन पर 5 बॉन्ड बन जाएंगे। 5 बॉन्ड कैसे बना, देखो एक तो ये वाला बॉन्ड, ये पूरा बॉन्ड आप समझ लो, दूसरा ये बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, चौथा ये, और यहाँ देख सकते हैं पांचवा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 4 देखिए, 2 ये और 2 ये और ये किए, 5 बॉन्ड बन गए ना। तो इस तरीके से कार्बन की वैलेंसी 4 है लेकिन बॉन्ड कितना बन गया, 5। तो एक बॉन्ड जरूर ब्रेक होगा, तो वो पाई बॉन्ड ये ब्रेक हो जाता है और यहाँ पर आ जाता है माइनस चार्ज। तो इस पर कंप्लीटली माइनस चार्ज आ गया। अब यहाँ पर इसके बीच तो बॉन्ड बन गया, लेकिन इस ऑक्सीजन पर जो पॉजिटिव चार्ज है, इसको खत्म करने के लिए क्या होता है, ये हाइड्रोजन निकल जाता है H+ के रूप में। तो ये पॉजिटिव खत्म, क्योंकि हाइड्रोजन जब निकलेगा, इस चीज को यार बहुत ही छोटी बात है, इसको समझना बहुत ही, मतलब अगर आप नहीं समझोगे तो समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या होगा, देखो जब ये H हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, इनके बीच जो बॉन्ड बना, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ये इस तरह से टूटेगा, तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो इस पर ये पॉजिटिव के रूप में निकलेगा। अब ये पॉजिटिव कहां पर जाकर जुड़ेगा, इस हाइड्रोजन के, इस ऑक्सीजन के साथ, और इसके नेगेटिव को भी खत्म कर देगा। तो अब आपने क्या देख लिया, अब आपने देखा मेन फंडा। मेन फंडा ये है कि ये है स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इसी की हम इतनी देर से चर्चा कर रहे थे। ये है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। और ये कौन सा ग्लूकोज है, ऑन द बेसिस ऑफ ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये राइट साइड में है तब इसको आप बोलोगे अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है। ये है हेमी एसिटल फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की हेमी एसिटल फॉर्म भी कहलाती है। और नंबर सेकंड, इसको हम अल्फा डी ग्लूकोज भी बोल सकते हैं। और बीटा डी ग्लूकोज कब बोलेंगे, जब ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, अगर ये यहाँ पर हो और ये हाइड्रोजन यहाँ पर हो, ठीक है, तब इसको क्या बोलेंगे हम, बीटा डी ग्लूकोज। तो उसको भी मैं बनाकर दिखा देता हूँ फटाफट। इसको हम सबसे पहले मिटा दें, आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप आसानी से समझ भी रहे होंगे। ये OH ग्रुप सेम रहेगा, यहाँ पर मैं हाइड्रोजन ले लेता हूँ। अच्छा, आपने, आपको दिमाग में ये आया होगा कि ये OH ग्रुप जो है यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्यारे दोस्तों ये जो एल्डिहाइड ग्रुप जो इसके ऊपर था वो प्लैनर था। कैसा था, प्लैनर। अब ये जो OH ग्रुप है, ये प्लैन के नीचे भी अटैक कर सकता है, ऊपर भी अटैक कर सकता है। तो इस बेस पर ये OH ग्रुप यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, वो उसके अटैकिंग के बेस पर, ठीक है। हो सकता है वो ऊपर की तरफ अटैक कर दे, हो सकता है वो नीचे की तरफ अटैक कर दे, ठीक है। तो इस तरीके से वो जहां पर भी अटैक करेगा, उसी के बेस पर ये OH ग्रुप यहां पर हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। तो अगर उस OH ग्रुप ने यहां पर अटैक कर दिया, तो देखो ये बन गया अल्फा डी ग्लूकोज। अब वहीं पर बीटा डी ग्लूकोज क्या है, बीटा डी ग्लूकोज में ये OH ग्रुप अगर यहां पर चला जाएगा, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी बना रहा हूं फटाफट, ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी इसमें बहुत कुछ डिस्कस करना है, ठीक है। तो यहां पर हमने बनाया है स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन, और यहां से ये हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर चला गया था और इसके साथ रिएक्शन करके हेमी एसिटल फॉर्म बना दिया था, ठीक है। ये सब हमको ध्यान रखना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। इसको हम बोलेंगे बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। तो प्यारे दोस्तों, आपने क्या देखा कि भाई जो ग्लूकोज होता है उसकी भी दो फॉर्म होती है, एक होता है अल्फा डी ग्लूकोज, एक होता है बीटा डी ग्लूकोज। इसका अगर पूछा जाए आपसे स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, तो आप लिख सकते हैं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन लगभग 112.2 डिग्री होता है, ठीक है। 112.2 डिग्री इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है, ठीक है, SR लिख देंगे डॉट में, स्पेसिफिक रोटेशन इसका जो है 112.2, और इसका लगभग 19 होता है, ठीक है, इसका लगभग 19 डिग्री या 18 पॉइंट कुछ डिग्री जो है इसका स्पेसिफिक रोटेशन होता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन जो है, ये हमने थोड़ा गलत कर दिया है, इसका जो है अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 डिग्री एंड बीटा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो 19 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर हो गई।
अब आपको पता चल गया स्पेसिफिक रोटेशन भी इसका इतना, अल्फा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 डिग्री और बीटा डी ग्लूकोज का स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री। लेकिन अब यहाँ पर कहानी एक टॉपिक आता है म्यूटा रोटेशन, आपने पढ़ा होगा आई थिंक, म्यूटा रोटेशन का टॉपिक कई बार पूछा जाता है एग्जाम पेपर में भी, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कई बार पूछा जाता है, तो उसको भी आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप ग्लूकोज की साइक्लिक फॉर्म को, ठीक है, ग्लूकोज की जब आप इस साइक्लिक फॉर्म को पानी में डिसॉल्व करते हैं और पानी में घोलने के बाद आप जब कुछ देर बाद क्या देखते हैं कि इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होकर के, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर के ये चेंज हो जाता है 52.6 डिग्री के अप्रोक्स, ठीक है, 52.6 डिग्री के अप्रोक्स इसका म्यूटा रोटेशन, जो इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज हो जाता है पानी में डिसॉल्व करने के बाद। लेकिन अगर हम यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज को भी जब यहाँ पर पानी में डिसॉल्व करते हैं और कुछ देर बाद हम क्या देखते हैं कि इसका स्पेसिफिक रोटेशन भी 52.6 डिग्री में चेंज हो गया। अब हमारे दिमाग में ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ऐसा कैसे हो गया, कि भाई देखो ये बात तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका 112.2 डिग्री है, ठीक है, स्टार्टिंग में इसका स्पेसिफिक रोटेशन 112.2 डिग्री था और ये कन्वर्ट हो गया 52.6 डिग्री में। लेकिन यार इसका 19 था लेकिन ये और ये ग्लूकोज के बराबर जा रहा है, मतलब कि ये अल्फा के बराबर कैसे हो गया स्पेसिफिक रोटेशन, यही इसमें थोड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट और टर्निंग पॉइंट है। इसी चीज को हमको समझना है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। नंबर दो, जब आप इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये डायरेक्टली इस तरीके से नहीं बनता, मैं आपको बता देता हूँ। पानी में जब ये डिसॉल्व कर देते हैं तो इसमें कौन कौन सी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, इसको पहले हम थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं ताकि हमें पास जगह बन जाए कि मैं बीच में इसकी स्ट्रक्चर को बना लेता हूँ, ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये हमने OH बनाया, ये हमने H बनाया, ये हमने कार्बन और ये हमने यहाँ पर हाइड्रोजन, ये हमने OH एंड ये कार्बन, ये OH, ये कार्बन, ये H, ये कार्बन, ये OH, ये हमने H, ये हमने कार्बन लिया और यहाँ पर हम लगाते हैं CH2OH। तो ये है ग्लूकोज की ओपन स्ट्रक्चर और ये है इसकी साइक्लिक स्ट्रक्चर जो कि बीटा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है, ये अल्फा डी ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर है और ये जो आप देख रहे हैं बीच में ये इन दोनों की ओपन स्ट्रक्चर है, ठीक है। और यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है एक इक्विलिब्रियम, हम यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम शिफ्ट करके दिखा देते हैं। अब देखो मैं यहाँ पर बताना क्या चाह रहा हूँ कि जब भी आप अल्फा डी ग्लूकोज को, ये जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसको पानी में डिसॉल्व करते हो तो सबसे पहले ये अपनी ओपन चेन में आता है, ठीक है, ये चेंज होता है अपनी ओपन चेन में। फिर उसके बाद अब इसकी जो ओपन चेन है ये फिर दोबारा से या तो ये इसका जो OH ग्रुप है या तो ये इस तरफ से राइट साइड में भी हो सकता है, ठीक है, ये लेफ्ट साइड में भी हो सकता है। तो इस तरीके से हमको क्या होता है, एक मिक्सचर प्राप्त हो जाता है। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना, ये जो अब ये ओपन में जो चेंज हो जाता है हमको एक मिक्सचर प्राप्त होता है। मिक्सचर, अब उस मिक्सचर में हमने क्या देखा कि अल्फा डी ग्लूकोज की जो परसेंटेज है वो लगभग 36% होती है, 34 या 36%, और बीटा डी ग्लूकोज की परसेंटेज हमने क्या देखा लगभग 64 या 66% के करीब होता है और इसकी लगभग 0.2 या 0.4% के करीब होता है। अब ऐसा क्यों हुआ। अब यहां पर दो क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन निकल कर आया कि भाई इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन 19 डिग्री से 52 डिग्री कैसे हो गया और इसका 112 से, इसका तो हमको समझ में आता है लेकिन इसमें इतना बड़ा चेंज कैसे हुआ। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब आपने इसको पानी में डिसॉल्व किया तो ये जो मिक्सचर हमको प्राप्त हुआ यहाँ पर 36 डिग्री प्राप्त हुआ अल्फा का और बीटा का सबसे ज्यादा 64 प्राप्त हुआ, तो ऐसा क्यों हुआ, बीटा में और अल्फा में ऐसा क्या हो गया कि 64% मिक्सचर प्राप्त हो रहा है, 36% और ये बहुत ही कम। इसका कारण है दोस्तों स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी को हम, ये तो हमने ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर को देखा, अभी एक और स्ट्रक्चर आपको मैं दिखाऊंगा वो आपको स्टेबिलिटी के बारे में समझाएगी, ठीक है। तो अभी आपने यहां तक अभी दो क्वेश्चन आपने माइंड में रखो कि पहला क्वेश्चन ये कि भाई ये इसका 19 डिग्री से 52.6 स्पेसिफिक रोटेशन कैसे चेंज हुआ, और दूसरा ये क्वेश्चन कि यहां पर 112, ये तो हमको समझ में आ गया तो नॉर्मली हम मान सकते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि इन दोनों का बराबर आए, ये हमें कंफ्यूज कर रहा है। दूसरा इसकी परसेंटेज ज्यादा 64% कैसे और इसकी 36% कैसे, मिक्सचर में हमको ये तीनों प्राप्त हुए तो इसकी परसेंटेज ज्यादा क्यों हुई, इसकी परसेंटेज कम हुई क्यों हुई और इसकी बहुत कम क्यों हुई, ठीक है, नोट करेंगे दोस्तों फटाफट। सो गाइज अब आपको नोट करना है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को, म्यूटा रोटेशन तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुका हूँ, इसकी डेफिनेशन को नोट कर लो। द चेंज इन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन
विदाउट एनी चेंज इन अदर प्रॉपर्टीज इज नोन एज म्यूटारोटेशन। ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन क्या होता है, जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहां पर होता है, जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है वो प्लेन पोलराइज लाइट को किधर भी रोटेट करने की क्षमता रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो एक तरह से जो ग्लूकोज होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होता है, ठीक है। या फिर ऑप्टिकली अगर सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व कर दिया जाए तो वो कहलाएगा ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन। जैसे कि मैंने आपको बताया वो मिक्सचर वाला मामला जो भी मैंने आपको बताया था कि ये 64% प्राप्त होता है 32%, उसी का रीजन यहाँ पर जो वो सब रिलेट करता है म्यूटा रोटेशन से, ठीक है। तो म्यूटा रोटेशन की डेफिनेशन ये है। अब आपको यहाँ पर अल्फा डी ग्लूकोज मैंने ये बनाया है, फिर मैं भी आपको बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर के बारे में बताता हूँ, और वो जो दो क्वेश्चन आपको बताया था उन दो क्वेश्चन के आंसर इसी में मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आइए मैं इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर को बना देता हूँ। इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये जो ऑक्सीजन एटम है आपको इस तरह से रखना है, फिर उसके बाद आप इस तरह से ले जाएंगे, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर ये इस तरह से ले जाएंगे, और फिर उसके बाद इसको यहाँ से जोड़ देंगे। अब आपको यहाँ पर ये जो दोनों तरफ आपको ग्रुप दिखाई दे रहा है लेफ्ट और राइट, इन दोनों ग्रुप के लिए आपको जोड़ने के लिए यहाँ पर स्थान बनाना होगा, ठीक है। तो ये हमने बना लिया है। अब आपको यहाँ पर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कारण क्या था। देखो सबसे पहले क्या होगा, ये जो आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो ग्लूको अल्फा डी ग्लूकोज के राइट साइड वाला पार्ट आप नीचे उतारेंगे, ठीक है। ये आप नीचे रखेंगे, ये OH, ये OH आ जाएगा नीचे, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा नीचे, फिर ये OH यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद ये जो CH2OH है ये ऊपर जाएगा यहाँ पर CH2OH। इतनी बात क्लियर हुई। अब उसके बाद ये जो राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है, इस हाइड्रोजन को आप इसको ऊपर लगा दें, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये OH ऊपर आ जाएगा, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो बचा हुआ लास्ट वाला हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर है किस चीज की, ये है अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आएगा, डोंट वरी। ये है अल्फा डी ग्लूकोज की स्टेबल स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है हमें स्टेबिलिटी को बताती है, ठीक है। स्टेबिलिटी को उसके जरिए हम समझ सकते हैं। तो ये है अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। अब मैं आपको यहाँ पर बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर में क्या होता है, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज में अंतर यही है कि भाई ये OH ग्रुप यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे उसको बीटा डी ग्लूकोज। तो यहीं पर मैं आपको बताकर दिखा देता हूँ, ठीक है। तो बीटा डी ग्लूकोज को बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, ये वही सेम हमको रखना है, सब सेम स्ट्रक्चर आपको बनाना है जैसे कि मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। ये हमने बना लिया, आई होप आपको दिखाई दे रहा हो। और ये हम यहाँ पर ले लेते हैं सेम वही ग्रुप को जोड़ने के लिए, ये लीजिए। अब देखो यहाँ पर सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है, वो डिफरेंस क्या था कि भाई जो लेफ्ट यहाँ पर ये जो राइट साइड में है यहाँ पर OH की जगह ये H आ जाएगा, ठीक है, ये H यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर नीचे की तरफ क्या लेंगे, H, फिर उसके बाद क्या आएगा OH, फिर उसके बाद क्या आएगा H, फिर उसके बाद क्या आएगा OH, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो CH2OH है ये आपको डायरेक्टली यहाँ ऊपर की तरफ जोड़ना है CH2OH। इसके बाद क्या होगा कि जो राइट साइड में है आप ऊपर की तरफ जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो OH है ये राइट साइड में जाएगा तो ऊपर की तरफ OH लगेगा, फिर ये H यहाँ पर जोड़ देंगे, फिर ये OH यहाँ पर जोड़ देंगे, फिर ये हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे, और ये हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देंगे ये वाला। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आया गया है मेन पॉइंट, समझने का पॉइंट। ये है अल्फा डी ग्लूकोज और ये है बीटा डी ग्लूकोज, ठीक है। बीटा डी ग्लूकोज, बेटा डी ग्लूकोज, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा यहां पर, कारण क्या था, पहला क्वेश्चन क्या था कि भाई सॉल्यूशन में ये जो अल्फा डी ग्लूकोज की परसेंटेज आ रही थी यहां पर लगभग 34%, यही घटना थी ना, 64% आ रहा था। और बीटा डी ग्लूकोज का क्या आ रहा था यहां पर, इसका 34 और बीटा का 64%, और बाकी जो ओपन स्ट्रक्चर जो थी उसका आ रहा था लगभग 0.2% या 4% के करीब। तो कारण ये था स्टेबिलिटी, ठीक है। और एक और दूसरा क्वेश्चन था, पहला तो क्वेश्चन ये आ रहा था, और दूसरा क्वेश्चन क्या था दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन था स्पेसिफिक रोटेशन। जो हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज होता है इसकी स्पेसिफिक रोटेशन जो है स्टार्टिंग में था 19 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये चेंज होकर के हो जाता है 52.6 डिग्री, ठीक है। और अल्फा डी ग्लूकोज इसका स्पेसिफिक रोटेशन था स्टार्टिंग में 112 डिग्री, ठीक है, 112.6 डिग्री के करीब था, लेकिन ये चेंज होकर के कितना हो जाता है 52.6 डिग्री। तो इन दोनों का जो है स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर के बिल्कुल सेम आ रहा था, इसका कारण क्या था। इन दोनों का बड़ा ही सिंपल सा रीजन ये है कि दोस्तों यहां पर देखो ध्यान से,
ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है नीचे की तरफ है दोनों के दोनों, तो इसमें रिपल्शन हो जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें अल्फा डी ग्लूकोस में क्या देख रहे हैं कि दो OH ग्रुप के कारण यहां पर हो रहा है रिपल्शन। अब इस रिपल्शन के कारण ही यहां पर क्या होता है कि ये जो है बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होता है, जिसके कारण ये है इसकी परसेंटेज जो है वो 34% होती है। नंबर टू, इसका स्पेसिफिक रोटेशन चेंज होकर के 52.6 होता है, ये तो कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो आपने क्या देखा, कारण था स्टेबिलिटी, और वो स्टेबिलिटी का कारण क्या था, ये जो OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है यहां पर होता है अल्फा डी ग्लूकोस में रिपल्शन। वहीं पर आप देखें बीटा डी ग्लूकोस में इसमें कोई रिपल्शन नहीं है। ये OH ग्रुप जो ऊपर वाला जो बड़ा ग्रुप है वो आप अलग अलग देखिए, ये दूसरे के अपोजिट है, ये दूसरे एक दूसरे के अपोजिट है, यहां पर सेम आ रहा है बट यहां पर अपोजिट है, जिसके कारण ये स्टेबल है। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अल्फा डी ग्लूकोस ज्यादा स्टेबल होता है या बीटा डी ग्लूकोस, तो हमेशा ध्यान रखना बीटा डी ग्लूकोस ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि इसमें जो रिपल्शन कम है, ठीक है, इस OH ग्रुप अपोजिट है इसके कारण इसमें रिपल्शन कम है, और यहां पर इसका जो दोनों के दोनों जो ग्रुप है ये दोनों ग्रुप बिल्कुल नीचे की तरफ प्रेजेंट होते हैं, जिसके कारण इनमें रिपल्शन ज्यादा होता है। तो ये जो है कम स्टेबल है और ये जो है ज्यादा स्टेबल है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं स्टेबल। ठीक है, ये होता है स्टेबल और ये है लेस स्टेबल। और आपसे पूछा जाए कि किससे लेस स्टेबल, तो ये जो है बीटा डी ग्लूकोस से लेस स्टेबल होता है अल्फा डी ग्लूकोस, अगर इसका कंपैरिजन पूछा जाए तो। तो आपने यहां पर देखा स्टेबिलिटी का कारण भी मैंने आपको बताया। इसी तरह से यार जैसे हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में बताया, इसी तरह से फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में भी होता है। बट फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में जो है यहां पर तो आपने देखा कि यहां पर 6 कार्बन एटम वाली श्रृंखला बन रही थी, लेकिन वहां पर 5 कार्बन एटम वाली, ठीक है, यहां पर एक तरह से साइक्लोहेक्सेन वाला मामला हो रहा था, लेकिन वहां पर पेंटा, जैसे कि साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, वहां पर साइक्लोपेंटेन का मामला बन रहा था, यहां पर साइक्लोहेक्सेन का मामला हो रहा है। इसको पहले फटाफट नोट कर लें। तो प्यारे दोस्तों, अब हम यहाँ पर लास्ट में आ चुके हैं, लास्ट में कुछ पॉइंट्स आपको मैं बताना चाहूंगा। ठीक है, अब देखिए जैसे स्टार्टिंग मैंने आपको बताया था, एक हेमी एसिटाइल रिएक्शन दिखाया था मैंने, जिसमें मैंने आपको एक कार्बोनाइल ग्रुप बताया था, और वो जो कार्बोनाइल ग्रुप है वहां पर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर वो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद हमने मैंने एक मिथाइल अल्कोहल लिया था और इन दोनों के आपस में रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाया था, जिसका नाम हमने रखा था हेमी एसिटाइल या फिर हेमी कीटल, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने वो एल्डिहाइड लिया है या कीटोन लिया है। तो प्यारे दोस्तों देखो, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप था, लेकिन कीटोन में ये जो हमारे पास फ्रक्टोज होता है उसमें होता है कीटोनिक ग्रुप, तो कीटोनिक ग्रुप में भी सेम वही रिएक्शन होती है, क्योंकि मेन रिएक्शन कहां पर हो रही है, कार्बोनाइल ग्रुप पर हो रही है, ना कि किसी एल्डिहाइड या कीटोन से उसको मतलब नहीं है, उसको मतलब है इस OH ग्रुप को कि यहां पर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब कि कार्बन जो ऐसा होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए, वह है कार्बोनाइल ग्रुप पर। तो सेम वही रिएक्शन जो ग्लूकोज में हमने देखा था, वही रिएक्शन यहां पर भी होगी, और यहां पर भी क्या होगा कि यहां से जो OH ग्रुप है यहां पर आकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ने के बाद यहां पर लेकिन ये बनाएगा 5 मेंबर्ड। ग्लूकोज में हमने देखा था कि 6 मेंबर्ड एक रिंग बन रही थी, बट यहां पर हमको मिलेगा एक 5 मेंबर्ड रिंग। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा कि ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और यहां से ये OH चला जाएगा और यहां पर एक ऑक्सीजन लग जाएगा। ठीक है, यहां पर भी क्या होगा, एक ऑक्सीजन आ जाएगा और ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, जैसे आपने मैंने ग्लूकोज में बताया था सेम वही रिएक्शन यहां पर भी है। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि यहां पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, समझ में आएगा, लेकिन जब आप पीछे रिवर्स होकर के फिर दोबारा देखो वहां पर यही रिएक्शन आपको दिखाई देगी। अब देखो यहां पर क्या है, अगर यहां पर OH ग्रुप है, ठीक है, वही मामला आ जाता है हाइड्रोजन प्लस उसका। ठीक है, अब यहाँ पर उसी के बेस पर हम यहाँ पर अगर यहाँ पर भी सेम वही अल्फा फ्रक्टोस और अल्फा बीटा फ्रक्टोस के यहाँ पर आ जाता है मामला। ठीक है, तो अगर अल्फा फ्रक्टोस का अगर हम यहाँ पर इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर को देखें, तो ये यहाँ पर देखो, अगर ये साइक्लिक फॉर्म इस कार्बन से स्टार्ट हो रही है, तो 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन वाला है, तो 5 मेंबर्ड बनाएगा और 5 मेंबर्ड कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगा, इसका नाम है अल्फा फ्रक्टोस। ठीक है, क्योंकि ये OH ग्रुप इधर है, तो अल्फा फ्रक्टोस अगर इधर होता तो यहाँ पर बीटा फ्रक्टोस लगते। तो फाइनली क्या हुआ कि ये जो अल्फा डी फ्रक्टोस का अल्फा फ्रक्टोस का आपने यहाँ पर एग्जांपल देखा, इसकी स्टेबिलिटी को देखा, इसमें क्या होगा CH2OH सबसे पहले यहाँ पर हम लगा लेंगे। ठीक है, जो लेफ्ट जो राइट साइड में है उसको हम यहाँ पर नीचे की तरफ लगा लेते हैं, सेम वही पैटर्न होगा, और जो राइट और लेफ्ट साइड में है उसको हम ऊपर की तरफ लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये है स्ट्रक्चर अल्फा फ्रक्टोस की। अब यहाँ पर लास्ट पॉइंट आता है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर आपको बीटा, जैसे अल्फा फ्रक्टोस है, बीटा फ्रक्टोस का आपको एग्जांपल बनाना है, ठीक है, तो उसमें क्या करो आप, इस OH को यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर रख देना है। ठीक है, बस यही अंतर होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नोमनक्लेचर, क्योंकि आपने
अल्फा फ्रक्टोज तो बना दिया हमने, बीटा डी ग्लूकोज भी बना दिया, लेकिन हमको कैसे पता चलेगा कि रिंग जो है वो 5 मेंबर्ड है या 6 मेंबर्ड है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नोमेनक्लेचर में ये यूज करते हैं फ्यूरेनो और पायरेनो। फ्यूरेनो का मतलब होता है 5 मेंबर्ड और पायरेनो का मतलब होता है 6 मेंबर्ड। तो जैसे ये हमारे पास ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। इसको नाम लिखने के लिए हम क्या करते हैं, बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। इससे हमें पता चल जाता है कि जो रिंग है वो 6 मेंबर्ड है। जैसे ही आप पायरेनोज वर्ड यूज करते हैं वैसे ही पता चल जाता है कि जो हमारी रिंग है ग्लूकोज की वो बीटा डी ग्लूकोज की वो है 6 मेंबर, ठीक है। तो इसका नाम होगा बीटा डी ग्लूकोपायरेनोज। अगर यहाँ पर अल्फा होता तो आप लिख देते अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज। अब यहाँ पर 5 मेंबर है तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे इसका नाम, जैसे ये अल्फा फ्रक्टोज है, ठीक है, तो अल्फा फ्रक्टोज की साइक्लिक फॉर्म है, इसको आपको थोड़ा सा ये बताना है कि ये 5 मेंबर है या 6 मेंबर है, तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोज, ठीक है। तो फ्यूरेनोज का मतलब 5 मेंबर्ड और पायरेनोज का मतलब 6 मेंबर्ड। ये पूरा का पूरा साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज है और साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में भी। और देखो ग्लूकोज को मैंने जिस तरीके से आपको समझाया, फ्रक्टोज का भी आपको समझ में आ जाना चाहिए। प्यारे दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा, ऑल द बेस्ट। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।